देखो अपन तो सब राम राम बोल रहे हैं, लेकिन हम जब पढ़ते हैं समाचार पत्रों में तो मन में पीड़ा होती है। कुछ लोग देश में ऐसे हो गए हैं जो भगवान राम के बारे में भी ऐसी वैसी बातें बोलते हैं, तुलसीदास जी के बारे में बोलते हैं। मैं उनके से कहना चाहता हूँ, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। बिना राम के ये देश नहीं जाना जा सकता। राम हमारे अस्तित्व हैं, राम हमारे प्राण हैं, राम हमारे भगवान हैं, और राम भारत की पहचान है, भारत की पहचान है। और इसलिए अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, लेकिन राम रजा तो अपने ओरछा में विराजते हैं। उनके चरणों में हम सब श्रद्धा सहित प्रणाम करते हैं। मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूँ कि भगवान राम हो चाहे तुलसी बाबा हो, मध्य प्रदेश की तो बच्चों की किताबों में भी पढ़ाए जाएंगे, हम उन्हीं की कृपा से आगे बढ़ रहे हैं। अजय कोई ऐसे नेता भी हैं जो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा, आप बताओ ऐसी यात्राओं से भारत जुड़ेगा क्या? अरे जुड़ेगा क्या भैया? भारत अगर कोई जोड़ रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नितिन गडकरी जी जोड़ रहे हैं। ये जुड़ रहा है भारत सड़कों से, शानदार सड़क कनेक्टिविटी, एक ही दिन में भोपाल से लेके कानपुर जोड़ने आए हैं तो नितिन गडकरी जी आए हैं। झांसी टीकमगढ़ ओरछा होते हुए अगर जोड़ने आए हैं तो नितिन गडकरी जी आए हैं। टीकमगढ़ से दमोह जोड़ने अगर आए हैं तो नितिन गडकरी आए हैं। आप देखो पहले भी हमने सड़कें देखी थी, हालत ये थी कि खजुराहो अगर कोई जाता था तो हद्दा पसरा टूट जाते थे, गड्ढों में सड़क के सड़क में गड्ढा, पता ही नहीं चलता था। जब गाड़ी चलती थी तो जीप खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। बताओ ऐसी रोडें थी कि नहीं थी? और आज झांसी से बैठ के चले जाओ सीधे छतरपुर, बताओ पेट का पानी हिलता है क्या? पेट का पानी नहीं हिलता। तो भारत अगर जुड़ना है तो भारत ऐसे जुड़ना है जैसे नरेंद्र मोदी जी जोड़ रहे हैं और जैसे नितिन गडकरी जी जोड़ रहे हैं। ये भारत जोड़ने का अभियान है। अब जामनी के पुल की बात वीरेंद्र जी कर रहे थे, कई महीनों तक इधर से उधर हम जा नहीं पाते थे, पुलों से जोड़ रहे हैं, बाईपास से यात्रा को सुरक्षित बना रहे हैं, फ्लाईओवर से जोड़ रहे हैं। और अभी तो वीरेन जी कह रहे थे कि मैया तारा माई के मंदिर तक अगर जाना तो वो कह रहे थे सड़क से नहीं आकाश मार्ग से ले चलो नितिन गडकरी जी। और ये वैसे ही नहीं कह रहे थे, गडकरी जी आजकल केवल सड़कों से नहीं ले जा रहे, सड़कों से तो जोड़ रहे लेकिन उज्जैन में महाकाल बाबा के मंदिर के दर्शन करने जाना है तो रेलवे स्टेशन पर उतरो और वहां सीधे रोपवे बना रहे हैं, ऊपर तारों पे आप बैठो तो लटकती हुई गाड़ी जाएगी जो सीधे सड़क पे नहीं चलेगी, आकाश मार्ग से श्री महाकाल महालोक उतर जाएगी। अच्छा बताओ कमाल के मंत्री है कि नहीं गडकरी जी? अरे जोर से बताओ है कि नहीं है? मंदिर 14 जगह ले जा रहे हैं मंदिर में अलग अलग जगह, आकाश मार्ग का उपयोग हो रहा है साहब। पहले सुनते थे पुष्पक विमान में भगवान राम आए थे श्रीलंका से अयोध्या जी, अब तो नितिन गडकरी जी ले जा रहे हैं रोप वे केवल कार। और इसलिए बीरेन जी ने जो बात कही है तारा माई तक भी, नितिन जी बीरेन जी ने जो कहा तारा माई तक आप रोप वे ले जाओ ना तो मजा आ जाए जनता को, ठीक है कि नहीं बताओ? अरे तो जोर से ताली बजाओ, अद्भुत है आप और अद्भुत है नेतृत्व मोदी जी का। अब आप अपन ने कभी सोचा था क्या केवल कारें चलेगी? ये नया भारत है, नया भारत
जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही मेरे बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक एक सड़क का मैं वर्णन नहीं कर रहा। आपके सामने अभी जब लोकार्पण हुआ तब आइए, कितनी सड़कें एक साथ पूरे मध्य प्रदेश को जोड़ रहे हैं, पूरे देश को जोड़ रहे हैं। और केवल इतने ही नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में देश में, यहां भारत मध्य प्रदेश में भी, ये डबल इंजन की सरकार। आपको पता है निवाड़ी के मेरे बहनों और भाइयों, 2 महीने के अंदर अंदर निवाड़ी जिले के हर घर में, मेरी बहनों आपसे कहना चाहता हूं, अब आपको हैंडपंप का पानी भरने नहीं जाना पड़ेगा। नहीं, घंटों हैंडपंप से लटकती रहती थी बेटियां पानी भरने के लिए, प्रहलाद जी उस विभाग के मंत्री हैं। निवाड़ी जिले में कई गांव में पाइपलाइन बिज गई, घर घर नल लग गया, और 2 महीने के अंदर हर घर में नल लगा के टोटी वाला पीने का पानी मेरी बहनों दिया जाएगा, ताकि टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और गुंड और गघरा भरा जाएगा। कोई कभी सोचता था क्या? कोई कभी सोचता था? लेकिन केवल पीने का पानी नहीं बुंदेलखंड वालों, ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। कैन और बेतवा कब से सुन रहे थे, 2 नदियां जुड़ जाए तो बुंदेलखंड, चाहे मध्य प्रदेश का हो चाहे यूपी का, उसकी तस्वीर बदल जाए। लगभग 44,500 करोड़ रुपया खर्चा करके कैन और बेतवा जोड़ी जाएगी और पूरे बुंदेलखंड के किसानों के सूखे खेतों की प्यास बुझाएगी। और मैं आज दावा करता हूं कि हमारा बुंदेलखंड उत्पादन के मामले में पंजाब और हरियाणा को भी पीछे छोड़ देगा, पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ देगा। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक स्थानों का विकास का सवाल हो, यहाँ ओरछा क्या भव्य मंदिर है, राम रजा को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, उनकी कृपा बरसती रहे। सांस्कृतिक भारत भी नया बन रहा है, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा। अलग अलग मंदिरों का निर्माण, केवल अयोध्या में नहीं, अयोध्या में काशी जी में काशी कॉरिडोर, अगर आप चले जाओ केदारनाथ वहां अलग काम हो रहा है, उज्जैन में श्री महाकाल महालोक, और यहां भी ओरछा का भव्य विकास होगा और दिव्य विकास होगा राम रजा के दरबार में। और इसलिए ये नया भारत है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बना रही है। आज मैं लंबी बात नहीं करूंगा, हम सब सुनने आए हैं अपने नेता जोड़ने वाले भारत को, आदरणीय नितिन गडकरी जी को, और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अकेले बुंदेलखंड में लगभग 40,000 करोड़ रुपए की सड़कें बन रही, अकेले बुंदेलखंड में अगर सारी सड़कें मिला दी जाए तो 40,000 करोड़ की सड़कें। कांग्रेस के राज में गिट्टी मुरम की सड़क के लिए तरस जाते थे मेरे बहनों और भाइयों, गिट्टी मुरम की सड़क के लिए, शानदार सड़कें बन रही है। और इसलिए एक बार फिर मैं अपने केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और ज्यादा विलंब किए बिना मैं उनसे ही निवेदन करता हूं कि आए और जो हमें अमूल्य सौगात दी है, आके केवल निवाड़ी की जनता को नहीं, ओरछा की जनता को नहीं, पूरे मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड की जनता को संबोधित करें। आप भी दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के बुलाइए माननीय नितिन गडकरी जी को कि वो आए और हमें संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, राम रजा सरकार की।